जब हम ये पूरे रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस और कश्मीर में जो पहले कहा जाता था कि साहब कश्मीर की लड़ाई और अब उसको इस्लाम की लड़ाई बना दिया है, तो जमात इस्लामी जो निज़ाम हयात चाहता है और जिसको डेमोक्रेसी हराम लगती है और उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे वो नज़ीर की बीवी को किस तरह से मारते हैं उसका सर काट के, क्योंकि वो साहब एक आर्मी कैंप से निकलती दिख गई। इन सब के बीच कुछ किरदार आते हैं कहानी में, मसूद अजहर, सज्जाद अफगानी या मुश्ताक दरगर जो छोड़ा गया था। और मेरे लिए ये बड़ा आई वॉज सरप्राइज कि मसूद अजहर जब हिंदुस्तान में आया तो वो ढाका से आया अपने आप को ये बोल के कि मैं पुर्तगाल का कारोबारी हूँ, जड़ें मेरी गुजरात में हैं, और अयोध्या जाता है और अयोध्या से कश्मीर फिर पहुंचता है और ऑटो में पकड़ लिया जाता है। जब आप मुश्ताक जरगर का किस्सा लिख रहे थे, क्योंकि यही तीनों लोग थे, उमर शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर, जिनको IC 814 की जो पूरा किडनैपिंग था उसमें रिहा करवाया गया। मुश्ताक जरगर के बारे में आपने काफी लिखा है कि वो मतलब किस तरह की ट्रिक्स अपनाता था, मतलब वो जो पागल वाली एक्टिंग है वो तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है, BSF से बहुत चिढ़ता था। जी, मुश्ताक जरगर एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकवादी है और मास्टर मैनिपुलेटर है। और वो शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, जो लोग यासिन मलिक जैसे लोग या हमीद शेख जैसे लोग जो हैं, जो 88 में ही ट्रेनिंग प्राप्त करने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके चले गए हैं, उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के साथ उठना बैठना है। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक आतंकवादी है, लेकिन उसका मोह जो है बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से भी भंग हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की वायलेंस JKLF करता है वो उससे भी ज्यादा वायलेंस लाना चाहता है। और तब तक हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन बनते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर की आजादी के बारे में बात करता है, तो पाकिस्तान को इस बात की भी चिंता होने लगती है, तो वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे फ्रंट शुरू करता है, जो जो बेसिकली जमात इस्लामी के फ्रंट हैं, जिनका फ्रंट जमात इस्लामी है रादर, और वो कश्मीर के पाकिस्तान के विलय की बात ओपनली करते हैं। तो फिर वो अपना एक संगठन बना लेता है, आल उमर मुजाहिदीन, और उसका BSF से कई बार सामना होता है, क्योंकि उसकी फोटो वगैरह नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के पास, तो कई बार एक आध इनकाउंटर में वो बहुत बड़ा चकमा भी BSF को देकर जाता है, जब वो अपनी एक पागलपन के दौरे की एक्टिंग करता है और अपनी चप्पल जो है चबाने लगता है, तो BSF को लगता है कि ये पागल है और ये आतंकवादी नहीं हो सकता, और उसको भगा दिया जाता है। तो इस तरह कई बार वो चकमा देता है, लेकिन उसको एक हेटर भी डेवलप हो जाता है BSF का, और कई बार वो BSF के अधिकारियों को निशाना बनाता है। जब भी उसे कोई ऐसे वल्नरेबल पोजिशन में कोई जवान मिलता है, उसको पकड़ के वो बुरी तरह से उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह की, और उसके बाद वो गिरफ्तार भी BSF के द्वारा ही होता है डाउनटाउन श्रीनगर से, और उसके बाद उसकी जेल हो जाती है। अब ये आदमी जो है ये पाकिस्तान के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, जितनी इम्पोर्टेंस मसूद अजहर रखता है या उमर शेख रखता है। मसूद अजहर चूंकि ट्रेनिंग में गया है, मुजाहिदीन ट्रेनिंग कर गया अफगानिस्तान में, और उससे वो ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, चूंकि वो इतना मोटा और थुलथुला है और उसको फिजिकल ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फिजिकली बहुत अनफिट है। और वहां पर उसकी हालत ये हो जाती है कि वो रात को कैंप में बाहर निकलता, जब वापस आता अपना पासवर्ड तक भूल जाता है घबराहट में, तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अनफिट पाया जाता है। लेकिन उसके हैंडलर जो है वो एक चीज बड़ी नोटिस करते हैं कि जब वो भागता है या कोई कोई फिजिकल ड्रिल करने की कोशिश करता है या फायरिंग करने की कोशिश करता है, उसमें तो एकदम वो फेल्योर है। लेकिन कुछ अजीब सा जादू हो जाता है, जब वो कहीं खड़ा होके कोई तकरीर करने लगता है, कोई भाषण देने लगता है, तो लोग में उसके आसपास के जो साथी हैं वो मेस्मराइज हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ स्पीच है। तो मसूद अजहर को 94 में अपने साथी सज्जाद अफगानी के साथ इसीलिए भेजा जाता है, और सज्जाद अफगानी उस कैंप में थे और सज्जाद अफगानी को मालूम है कि ये ट्रेनिंग वाइज एकदम फेलियर है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली का हिस्सा है, एक मास्टर का बेटा है जो जिहादियों के काफी क्लोज है, 11 बच्चों में से एक बच्चा है, और उनको लगता है कि इसका जो सही इस्तेमाल है मसूद अजहर का, वो कश्मीर में होगा, जहां पर जो आतंकवादी हैं उनका मोराल थोड़ा डाउन हो गया है, तब तक
भारतीय सेना ने, काफी बीएसएफ ने, काफी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, वहां पर मनोबल थोड़ा नीचे है, तो उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। और फिर वो अयोध्या जाता है और वहां कसम खाता है कि मैं, क्योंकि तब तक बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन हो चुकी होती है, और ये बहुत बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट बन जाता है, एक प्रोपेगेंडा का टूल भी बन जाता है पाकिस्तानी आईएसए हैंडलर्स के लिए, जिसका बखूबी वो इस्तेमाल करते हैं, चेचनिया का इस्तेमाल बाद में करते हैं, और चेचनिया के वीडियोस दिखा दिखा कर उमर शेख को मोबिलाइज करते हैं। तो जब पर उसकी 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 लक रन आउट कर जाती बहुत जल्दी, वो पकड़ा जाता है एक ऑटो में, पकड़ा जाता है बेसब को पकड़ती, और जब जो वो पकड़ती अनंतनाग में, मेन चौक अनंतनाग से, उन्हें कोई इस बात का इल्म नहीं है कि अजहर कितना इम्पोर्टेंट आदमी है, ये उन्हें बाद में पता चलता है। जैसी उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से ही कवायद शुरू होती है पाकिस्तान में कि इसको किसी तरह छुड़ाया जाए, छुड़ा दिया जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आदमी है अब उनके लिए, क्योंकि इसके पास जो गिफ्ट ऑफ स्पीच है वो किसी और के पास नहीं है, और उनको लगता है कि बड़ा जरूरी है। और इस तरह का आदमी उस आदमी से 10 गुना 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक आतंकवादी जब ट्रेन होता है तो सिर्फ अपने, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ अपना आप होती है, लेकिन एक आदमी जो 1,000, 10,000, 1,00,000 लोगों को अपनी भाषण के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा, अपने लफ्जों के द्वारा मोटिवेट कर सकता है आदिल अहमद डार जैसा आतंकवादी बनने में, सुसाइड बॉम्बर बनने में, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो वहीं से कवायद शुरू होती है। उसी कवायद के सिलसिले में उमर शेख भारत आता है और वो तमाम तरह की कोशिशें करता है। उसी जमाने में आपको याद होगा कि 6 फॉरेन टूरिस्टों को, विदेशी टूरिस्टों को किडनैप किया जा रहा था। एक एक आर्टिफिशियल नेम देकर, हरकतुल जिहाद इस्लामी को अलफरान का नाम देकर वो घटना होती है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। उसके बाद गाजी बाबा आता है जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड है, वो आता है, और ये तभी संभव हो पाता है कि जब वो 1999 में IC-814 हाईजैक होता है और उसके एवज में इन तीनों आदमियों को छोड़ा जाता है। अब इन तीन आदमियों से 2 आदमी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्ताक जरकर का नाम वो इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि फिर वही बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है, तथाकथित मूवमेंट है जो है, ये इंडिजिनस है, और कश्मीरियों को एक संदेश दिलाना चाहते हैं कि ये जितना इंपॉर्टेंट आदमी हमारे लिए मसूद अजहर है या उमर शेख जो है, जो यूके सिटीजन है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मुश्ताक जरगर भी है, जो एक आम कश्मीरी है, जो आतंकवादी है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए उस फेरिस्त में उसका नाम भी जोड़ दिया जाता है।